व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको पता है कि साइबेरिया में बच्चों को यूवी लाइट्स के सामने क्यों रखा जाता है? क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो कभी भी नहीं मरता? क्या आपको एक ऐसी शीप पता है जिसके पास 4 हॉर्न्स हो? साइंटिस्ट को अंटार्कटिका में से 66 मिलियन साल पुराना एग मिला है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो एग किसका है? ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जापान में अब आपको हर बंदे की फ्यूनरल पर एक QR कोड देखने को मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके उस बंदे पर बनी पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये एक फन फैक्ट है, क्या आपको पता है कि आउल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आउल्स के ग्रुप को हम पार्लियामेंट कहते हैं और जिराफ्स के ग्रुप को हम टॉवर। साइबेरिया में अक्सर लोग अपने बच्चों के ऊपर यूवी लाइट्स डलवाते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बच्चों की बॉडी को नुकसान होगा तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि साइबेरिया में सर्दियों में सूरज बहुत ही ज्यादा कम निकलता है, जिससे कि वहाँ पर बच्चों को विटामिन डी नहीं मिल पाता। और विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए बच्चों को यूवी लाइट्स के सामने रखा जाता है, क्योंकि यूवी लाइट्स से हमें वैसा ही विटामिन डी मिलता है जैसे कि सन से। आपने कई सारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स पर ऐसी चेन लटकी हुई तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में से सिर्फ एंशियंट इंडियंस ही इस चेन को बना सकते थे? क्या आपको कोई ऐसा जानवर पता है जो कभी भी मर नहीं सकता? क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसे जानवर है जो कभी भी मर नहीं सकते, चाहे वो जितने मर्जी ओल्ड हो जाएं। क्रोकोडाइल्स मरते हैं तो उसका कारण होता है कि उनको कोई बीमारी हो जाना। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी शीप तो जरूर देखी होगी, और आपको ये भी पता होगा कि शीप के ऊपर सिर्फ 2 हॉर्न्स होते हैं, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी शीप दिखाने वाला हूँ जिसके पास 2 नहीं बल्कि 4 हॉर्न्स हैं। हाइब्रिडियन शीप शीप्स की एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास 2 नहीं बल्कि 4 हॉर्न्स होते हैं, और ये स्कॉटलैंड में पाई जाती है। गाइस, इस स्टैचू को देखिए, ये स्टैचू आपको माइकल जैक्सन की तरह दिखता होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्टैचू 3000 साल पुराना है, जो कि इजिप्ट में पाया गया है, और ये स्टैचू बिल्कुल ही माइकल जैक्सन की तरह दिखता है। साइंटिस्ट को अंटार्कटिका में से 66 मिलियन ईयर्स पुराना एग मिला है, और वो एग मोसासोरस का है। जिनको नहीं पता कि मोसासोरस कौन होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोसासोरस समुद्र में रहने वाले काफी बड़े जानवर होते हैं। समुद्र के पानी में नमक होगा, ये बात तो हम सबको पता है। इस बात का ही पता लगाने के लिए कुछ आर्टिस्ट ने 2 महीने तक एक ड्रेस को समुद्र में छोड़ दिया, और जब 2 महीने बाद उस ड्रेस को निकाला गया तो आर्टिस्ट देखकर हैरान हो गए थे कि उस ड्रेस के ऊपर सॉल्ट की एक परत चढ़ गई थी, और वो ड्रेस क्रिस्टल मास्टरपीस के नाम से भी जानी जाती है। एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम सोचिनो गुची है, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस शटल में रेडिश उगाकर वहीं पर ही खाई थी। सो यार, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।